हेलो बच्चों, तो आज हम आपको ऐसो आईटीआई कॉलेज में ऐसा आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं सरकारी कॉलेज में, वो आपको बताएंगे। ठीक है, इसका नोटिस ऐसा आ गया है 22, 23, 24। ठीक है, 2 साल का होता है आईटीआई करने के लिए, 2 साल लगता है। तो उसका नोटिस ऐसा ऑफिशियल आ चुका है। तो देखिए इसमें ऐसा कैसे आप फॉर्म को भर सकते हैं वो आपको बता देते हैं। कौन लोग ऐसे इसको अप्लाई कर सकते हैं पहले वो जान लेते हैं। तो देखिए, अगर आपका उम्र है सो कम से कम 14 ईयर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 8 का मार्कशीट या 10th का मार्कशीट होना चाहिए। ओके, आप कोई भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कब से ये ऑनलाइन ऐसा फॉर्म भराया जाएगा, 14 तारीख से। ठीक है, तो 14 आज यानी आज 14 जुलाई है, तो आज से ऐसा फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा चेक कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट ही बता देंगे अभी आगे वीडियो में कैसे आपको अप्लाई करना। ओके, इसके बाद देखिए अंतिम जो है वो है सो 5 बजे तक, शाम को 5 बजे। ठीक है, 29 जुलाई तक है सो इसका लास्ट डेट है। इसके बाद आप है सो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है, 29 जुलाई तक इसका लास्ट डेट है, 14 जुलाई से स्टार्ट है। ओके, इसके बाद देखिए 29 जुलाई को ही ऐसो एक पहला लिस्ट निकाल दिया जाएगा। ओके, इसके बाद 30-31 को आप ऐसो कोई भी प्रॉब्लम होता है आपके रिजल्ट में, कहीं पर अगर आपका ऐसो कैटेगरी है सो दूसरा चुना गया है तो आप कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं 30-31 को। ठीक है, इसके बाद देखिए फाइनल लिस्ट है सो आपका 2 अगस्त को आ जाएगा। ठीक है, 2 अगस्त को आ जाएगा, यानी बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो आपका ऐसो फाइनल लिस्ट आ जाएगा, वहाँ पर अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, देखिए इसका कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, ये है सो आपको मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। ओके, आपके 10th में कितने मार्क्स आए हैं या 8 का अगर आप अपलोड करते हैं तो आपके 8 में कितने आए हैं उसके हिसाब से ऐसा आपका सिलेक्शन लिस्ट निकाला जाएगा। ओके, तो इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, मेरिट लिस्ट से ही आपका है सो सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो देखिए कितना मार्क्स मिनिमम होना चाहिए तब आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। अगर आपका मार्क्स है सो 85% से ऊपर है 10th में, ओके, तो आप इस फॉर्म को भरिए। ओके, और 90+ है तो आप जरूर भरिए। ठीक है, 90+ परसेंटेज है आपका तो आप इसमें जरूर भरिए, बहुत ज़्यादा चांस होता है। और कैटेगरी अगर आपका SC ST है तो 85 में भी आराम से हो जाता है। ओके, तो अगर इतना परसेंटेज आपका है 10th में या 8 में तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। ओके, 10th का ही है सो आप मार्क्स दीजिएगा, अगर आपके पास नहीं है अभी तो आप है सो 8 का ही भर दीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि आप कहाँ से है सो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर अगर चार्ज की बात करें जो कि फॉर्म भरने वक्त लगेगा, जो मेल में है सो सिर्फ मेल का है सो 300 लगेगा। ठीक है, वो भी कौन कौन कैटेगरी, BC1 जनरल और BC2। ठीक है, तो जो मेल लोग हैं उनको 300 रुपया लगेगा और फीमेल के लिए सो 150 रुपया रखा गया। ओके, फीमेल के लिए 150 रुपया और SC ST के कोई भी कैटेगरी मेल या फीमेल उनको भी 150 रुपया ही लगेगा। ओके, जो दिव्यांग लोग हैं, देखिए यहाँ पर एक और नोट में दिया गया है, जो मतलब फिजिकली कुछ है उनको दिक्कत है तो उनको ऐसा कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना पड़ेगा, उनको फ्री में ही ऐसा फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं कि आप कहाँ से ऐसा ऑफिशियली भर सकते हैं इस फॉर्म को। झारखंड में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ITI में आपको ऐसो सिंपली ऐसो गूगल में आपको ऐसो सर्च करना है क्या, ITI झारखंड government.in। ठीक है, इसको जैसे ही सर्च कीजिएगा, ओके, इसके बाद आपके सामने डायरेक्ट है सो ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा ITI का। ओके, इसके बाद ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके आपको ऐसा डेस्कटॉप साइड में कर लेना है। इसके बाद ऐसा देखिए कॉर्नर में ऐसा एक ऑप्शन मिलेगा एडमिशन का, ठीक है, ब्लिंक करते हुए इस पर क्लिक करना है एडमिशन पर। फिर कुछ देर वेट करते हैं, ये ओपन हो रहा है। इसके बाद देखिए ओपन हो चुका है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सब कुछ बता दिया है कि 14 जुलाई से ऐसा स्टार्ट है और इसका लास्ट डेट कब है, फॉर्म भरने का 29 है। यहाँ पर देखिए लिस्ट है सो प्रोविजनल लिस्ट, यानी पहला लिस्ट है सो आपको यहाँ पर कब जारी किया जाएगा, 29 जुलाई को। ओके, इसके बाद आप है सो 2 दिन दिया जाएगा कैटेगरी सुधार करने के लिए। ओके, अगर आपका कैटेगरी अगर कोई गलत है तो आप कैटेगरी को सुधार कर सकते हैं 31 और 30 को। ओके, इसके बाद देखिए 2 अगस्त को ऐसा आपका फाइनल लिस्ट आ जाएगा, उसके माध्यम से आपसे आपका एडमिशन हो पाएगा। ओके, 2 अगस्त को फाइनल लिस्ट आएगा, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा, आपको पहले ये बता दिए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये साइड है सो आपको एक लॉगिन का ऑप्शन मिलता है और एक रजिस्टर, तो रजिस्टर वे लोग करेंगे जो है सो पहली बार है सो अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो रजिस्टर न्यू अप्लीकेंट पर क्लिक कीजिएगा, अगर आप पहले रजिस्टर कर चुके हैं तो आप लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा, ID पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, देखिए जैसे लॉगिन पर क्लिक करते हैं आपको ऐसा यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मांग रहा है, तो ये है सो यहाँ पर मिल जाता है। जैसे ही आप है सो रजिस्ट्रेशन मतलब नया अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहीं पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको है सो
कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है, जैसे नाम, फादर्स नेम, ईमेल आईडी, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ठीक है। जैसे ही आप ये सब इंटर करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर है सो एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड है वो है सो आपके नंबर पर आ जाता है। ओके, तो आगे सेट भी करना रहता है पासवर्ड, आप सेट भी कर सकते हैं। तो यहीं से ऐसा आपको अप्लाई करना है आईटीआई में, ओके, एडमिशन लेने के लिए। तो यही ऐसा आपको बताना था इस वीडियो में। आई होप ये सब समझ गए होंगे। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप नीचे कमेंट में बताइए, हम उसका ऐसा रिप्लाई देंगे। और जो वो ऑफिशियल नोटिस था वो ऐसा आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाइएगा, वहाँ पर हम आपको भेज देंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।